नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे जॉन विक के बारे में। जॉन विक की अभी तक टोटल 4 मूवीज आई हैं। जो पहली मूवी थी वो 2014 में आई थी, दूसरी 2017 में आई, तीसरी 2019 में आई, और अभी लास्ट जॉन विक चैप्टर 4 2023 में आई। हम बारी बारी इन मूवीज के बारे में बात करेंगे। जो पहली मूवी थी 2014 वाली, वो मैंने इंग्लिश में देखी थी, बाकी तीनों मैंने हिंदी में देखी। हिंदी डबिंग भी बहुत बढ़िया है। चारों मूवी में ना कोई गलत सीन है ना कोई गाली गलौज है, इसलिए आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बस इसमें एक्शन बहुत ज्यादा है। जॉन विक की 1, 2, 3 मूवी में लगभग 1-2 साल का गैप था, पर जो लास्ट 2023 में आई इसमें 3-4 साल का गैप हो गया, वो लॉकडाउन की वजह से हो गया, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि एंडिंग हमें क्वालिटी देखने को मिली। अगर मैं जॉन विक मूवी की हिट का क्रेडिट किसी को देना चाहूंगा तो मैं सारा ही क्रेडिट कियानो रीव्स को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इसके एक्शन सीन्स खुद प्ले किए हैं और वही इस मूवी की जान है। इस मूवी का बजट टोटल 10 करोड़ था और इसने अभी तक 428 मिलियन की कमाई की, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। अगर आपने अभी तक जॉन विक की कोई भी मूवी नहीं देखी तो आप इसे अमेजोन प्राइम और एयरटेल टीवी पे देख सकते हैं। अमेजोन प्राइम पे ये सारी मूवी इंग्लिश में मिलेंगी, एयरटेल टीवी पे आपको ये हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो जॉन विक की स्टोरी कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये मूवी अपनी स्टोरी की वजह से नहीं बिकती। पहली मूवी में कुछ स्टोरी अच्छी थी क्योंकि स्टोरी बिल्ड होती है, पर चैप्टर 2, 3 और 4 में लगभग स्टोरी सेम ही है कि नए नए विलेन आते हैं और जॉन विक हमेशा उनसे लड़ता ही रहता है। अगर मैं आपको स्टोरी इसकी एक लाइन में बताना चाहूँ, पहले एक्शन होता है, फिर मूवी का टाइटल आता है, फिर एक्शन होता है, फिर एक नया करेक्टर आता है, फिर एक्शन होता है, फिर इंटरवल आता है, फिर एक्शन होता है, फिर कोई करेक्टर मरता है, फिर एक्शन और क्लाइमैक्स। मतलब पूरी मूवी में एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेगा। एक्शन के साथ ही हमें फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज भी याद आती है, जो कि अपने एक्शन के साथ ही बिकती है, वरना फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में भी स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं है। अगर मैं बेस्ट सीन की बात करूं तो मेरे को 2 सबसे बेस्ट सीन लगे जॉन विक मूवी में। पहला था वो बारिश वाला फाइट सीक्वेंस और दूसरा था वो गाड़ियों के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया था। जॉन विक मूवी में हमें 2 नए कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला तो होता है केन और दूसरा होता है एक आदमी जिसका नाम नहीं बताया जाता, जिसके साथ जॉन विक की तरह कुत्ता भी रहता है हमेशा। जॉन विक मूवी का रन टाइम थोड़ा सा बड़ा है, ये लगभग 3 घंटे की है। इसका रन टाइम 2 घंटे 50 मिनट का है, यानी कि मूवी थोड़ी लंबी है। इसमें आपको लगातार 30 मिनट का एक फाइट सीन भी देखने को मिलेगा, जो कि क्लाइमेक्स से पहले आता है। जॉन विक मूवी में खास बात है कि जॉन विक बहुत ही कम बोलता है। इसने टोटल मूवी में अभी तक 380 वर्ड ही बोले हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको केजीएफ मूवी बताऊं तो उसमें भी हमारा रॉकी भाई बहुत ही कम बोलता है, ये दिखाता है कि वो कितनी पावरफुल है। केजीएफ मूवी में रॉकी के सीन ही कम थे, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कियानो रीव्स के बहुत ही सीन है, पर वो फिर भी कम बोलता है, वो सिर्फ अपने एक्शन पर ही ध्यान देता है। अगर मैं एक और सीन की बात करूं जो आपको सीडियो वाला लास्ट वाला सीन याद होगा, तो वो भी कियानो रीव्स ने खुद निभाया और वो एक रियल लोकेशन है, एक सीन को छोड़ के जिसमें वो सीडियो से लगातार गिरते रहते हैं, वो सीन उन्होंने खुद नहीं किया। आपको एक मोटा आदमी तो याद ही होगा ये सीन, तो इस सीन में मुझे भी लगा था कि ये इससे क्या ही लड़ेगा, पर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन किए और आपको पता नहीं होगा कि ये असल में मोटे नहीं है, उन्होंने एक सूट पहना था, असल में बहुत ही ज्यादा फिट है। हमें क्लाइमेक्स से पहले एक सिंगल कैमरा शॉट भी देखने को मिलता है, जिसमें छत के ऊपर से कैमरा दिखाया जाता है और इसमें टोटल 7 रूम अलग से तैयार किए गए थे स्पेशल इस सीन को शूट करने के लिए। अगर मैं जॉन विक मूवी की कमियों की बात करूं तो हमें जो जॉन विक चैप्टर 4 आई थी इसमें लगा था कि हाई टावर से लड़ेगा, पर हाई टावर से नहीं लड़ता, ये फिर एक विलन से लड़ता है और हाई टावर में शामिल हो जाता है। सबसे बड़ा इसका वीक पॉइंट ये भी लगा कि मेरे को इतना लड़ता है, इतना मारता है, फिर भी आदमी थकता क्यों नहीं, और थकना तो चलो गवाता है, ये मरता ही नहीं है। इसका मान लिया कि सूट ब्लेड प्रूफ है, पर सिर पर और हाथ पर तो गोली लग सकती है। ये अपने दुश्मनों को सीधा सिर पर गोली मारता है, पर कोई भी इसका दुश्मन इसको सीधा सिर पर गोली क्यों नहीं मारता। और गोली नहीं लगने और थकने के अलावा एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये लगा कि लोग इतने मर रहे हैं, इतनी गाड़ियां ब्लास्ट हो रही हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो फिर भी इन सब में पुलिस कहां है। हमें एक भी बार जॉन विक चैप्टर 2, 3, 4 में एक भी बार पुलिस देखने को नहीं मिली। चैप्टर 1 में हमें एक बार 2 पुलिस वाले देखने को मिले थे, उसके अलावा हमें एक भी बार पुलिस देखने को नहीं मिली। इसमें एक वीक पॉइंट और भी था कि जो केन है वो अंधा है, फिर भी उसको तांच के पत्ते कैसे नजर आ गए। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो अंधे आदमी के लिए अलग से बुक बनाए जाते हैं, अलग से कार्ड बनाए जाते हैं, और जब वो मोटे आदमी के साथ तांच खेल रहा था तब उसको कहां से पता लगा कि उसके पास पत्ते कौन से हैं। और केन एक तरह से एक डेयर डेविल का अवतार भी लगा मेरे को। तो ये थी जॉन विक की मूवी के बारे में बातें। आपको जॉन विक मूवी कैसी लगी है मैं जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।